सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं विश्वजीत। तो जैसे आप सभी को पता ही होगा कि हम लोग इंडस्ट्रीज़ में सोलर इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग का वर्क करते हैं। जैसे जैसे हमारा इंडिया ग्रो कर रहा है, ठीक उसी तरीके से हमारे देश में छोटे से लेकर बड़ा इंडस्ट्रीज़ भी ग्रो कर रहा है। इसलिए इंडिया में बढ़ते हुए मैसिव अमाउंट ऑफ लोड कंजम्पशन को काउंटर करने के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करना पड़ता है, और ये इलेक्ट्रिसिटी मोस्टली अवेलेबल होता है थर्मल पावर प्लांट से, जिसके कारण हजारों लाखों मैट्रिक टन कोल यानी कोयला हर साल जलाना पड़ता है, और जिससे CO2 जैसे जहरीले गैस का लेवल एटमोसफियर में इंक्रीज हो रहा है, और क्लाइमेट चेंज जैसे बहुत सारी इश्यूज भी क्रिएट हो रहे हैं। इसलिए थर्मल पावर प्लांट से लोड घटाने और सेम स्केल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है सोलर सिस्टम। तो आज मैं बताने वाला हूँ 1 किलोवाट ऑफ ग्रिड सिस्टम में आपको क्या क्या डिवाइस खरीदना है, इसके प्राइस कितना होता है, और इससे आपके घर में क्या क्या चल सकता है। सोलर सिस्टम मेनली दो टाइप्स का होता है, ऑन ग्रिड सिस्टम, ऑफ ग्रिड सिस्टम। ऑन ग्रिड सिस्टम में इन्वर्टर के साथ बैटरी कनेक्टेड नहीं रहता है, जिसके कारण ये सिर्फ दिन के टाइम में ऑपरेट कर सकता है। ग्रिड के साथ कनेक्टेड होने का कारण ये इलेक्ट्रिक पावर को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी कर सकता है। वही ऑफ ग्रिड सिस्टम में इन्वर्टर के साथ बैटरी कनेक्ट रहने के कारण ये सिस्टम सनलाइट कम होने के बाद या नाइट आवर्स में बैटरी से बैकअप लेकर आपके घर के लोड को बड़े आसानी से चला सकता है। हम डोमेस्टिक पर्पस या मीडियम रेंज ऑफ लोड जैसे लाइट, फैन, टीवी, मिनी पंप यानी लगभग हाफ HP टुलू पंप का मैं बात कर रहा हूँ, ये सब लोड चलाने के लिए हम जनरली 1 किलोवाट ऑफ ग्रिड सिस्टम खरीदते हैं। आइए अब जानते हैं 1 किलोवाट ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में हमको कौन कौन सी डिवाइसेस खरीदना जरूरी है। जब सोलर सिस्टम की बात हो रही है तब सबसे पहले नाम आता है सोलर पैनल या सोलर मॉड्यूल का। सोलर पैनल मेनली दो टाइप्स का होता है, पॉलीक्रिस्टलाइन और मोनो। पॉली मॉड्यूल का सेल रेक्टेंगुलर शेप के साथ ब्लू कलर के टेक्सचर में दिखाई पड़ता है। वहीं मोनो मॉड्यूल का सेल ऑक्टागोनल होता है और इसका कलर नॉर्मली ब्लैक होता है। पॉली मॉड्यूल का एफिशिएंसी 14% से 18% का होता है, जबकि मोनो मॉड्यूल का एफिशिएंसी 18% से 24% का होता है। मोनो पैनल का परफॉर्मेंस पॉली से बेटर होने के लिए इसका प्राइस पॉली से स्लाइट कॉस्टली होता है, जबकि दोनों मॉड्यूल्स का वारंटी 25 ईयर्स होता है कुछ टर्म्स एंड कंडीशन का साथ। तो हमारे लिस्ट में दूसरे डिवाइस का नाम है इन्वर्टर। इन्वर्टर 3 टाइप्स का होता है, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड। हम घर में नॉर्मली ऑफ ग्रिड इन्वर्टर या हाइब्रिड इन्वर्टर यूज़ करते हैं। ऑफ ग्रिड इन्वर्टर के साथ सोलर पैनल और बैटरी कनेक्टेड रहता है, जबकि ग्रिड के पावर के साथ इस सिस्टम का कोई लेना देना नहीं रहता। ये दिन में सूरज का किरणों से बिजली प्रोड्यूस करता है, जो कि आपके घर के लोड को चलाने में मदद करता है। लोड को सफिशियंट पावर सप्लाई करने के बाद जो एक्स्ट्रा पावर बच जाता है उससे ये सिस्टम बैटरी को चार्ज करता है। सनलाइट कम होने के बाद यही बैटरी से लोड को चलने के लिए बिजली मिलती है। आइए अब समझते हैं हाइब्रिड सिस्टम क्या है और ये काम कैसे करता है। इस सिस्टम में हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ सोलर पैनल, बैटरी, ग्रिड यानी लोकल 220 वोल्ट सप्लाई कनेक्ट रहता है। दिन के टाइम में सोलर पैनल से जो पावर जेनरेट होता है उससे आपके घर में लोड चलाने के साथ साथ बैटरी भी चार्ज होता है, और दिन ढलने के बाद ये इन्वर्टर बैटरी से पावर लेकर आपके घर में लोड को चलाती है। अब आपको लग रहा होगा दोनों सिस्टम का वर्किंग एक्टिविटी तो सेम है, फिर मैं दोनों को अलग अलग क्यों डिस्क्राइब कर रहा हूँ। ये मैं इसलिए डिस्क्राइब कर रहा हूँ क्योंकि आपके घर में कौन सा सिस्टम इंस्टॉल करना सही रहेगा ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। इसके लिए आपको बाज़ार में या मार्केट में कोई गलत इन्फॉर्मेशन देके कंफ्यूज और बजट को मैनिपुलेट ना कर सके। तो अब हम वापस टॉपिक पे आते हैं।
और समझने का कोशिश करते हैं ये दोनों सिस्टम का डिफरेंस। तो हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ ग्रिड सप्लाई कनेक्ट रहने के वजह से ये दिन ढलने के बाद या बहुत क्लाउडी वेदर में जहां सोलर पैनल प्रॉपर पावर जनरेशन नहीं कर पा रहा हो, आपके घर में लोड और बैटरी चार्जिंग को बैलेंस करने में, इस कंडीशन में ये इन्वर्टर ग्रिड या लोकल 220 वोल्टेज सप्लाई से पावर लेकर आपके घर में लोड चलाने और बैटरी चार्जिंग करने का प्रोसेस को बैलेंस करता है, ऑब्वियसली जो ऑफ ग्रिड इन्वर्टर नहीं कर सकता है। जितनी देर बैटरी में चार्ज रहेंगे बस तब तक ये लोड को चला सकता है। हाइब्रिड इन्वर्टर को लेकर और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आप हाइब्रिड इन्वर्टर को ग्रिड सप्लाई ना देकर एज ए ऑफ ग्रिड सिस्टम भी चला सकते हो, लेकिन ऑफ ग्रिड इन्वर्टर को आप एज ए हाइब्रिड सिस्टम ऑपरेट नहीं कर सकते हो। तो अब आपको अपने घर में कौन सा इन्वर्टर इंस्टॉल करना है ये आप खुद तय कर सकते हो। हमारे लिस्ट का थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिवाइस है बैटरी। बैटरी सोलर सिस्टम में मेनली ऑपरेशनल होता है डार्क आवर्स या नाइट आवर्स में। पूरे दिन में सोलर सिस्टम से बैटरी फुल चार्ज हो जाता है। दिन ढलने के बाद जब आपके घर में लोड को चलाने के लिए सोलर पैनल कोई पावर जनरेट नहीं कर पाता है, तब इन्वर्टर में कनेक्टेड ये सोलर ट्यूबलर बैटरी बैकअप पावर, या इसको ऐसे कह सकते हैं स्टोर किए हुए पावर से आपके घर में लोड को चला सकता है। लिस्ट में ये तीन डिवाइस के साथ साथ हमको कुछ प्रोटेक्शन डिवाइस या इक्विपमेंट्स भी खरीदना होता है हमारे सोलर सिस्टम के लिए, जैसे सोलर माउंटिंग स्ट्रक्चर, ACDV, DCDV, अर्थिंग इक्विपमेंट्स, लाइटनिंग एरेस्टर, DC केबल, MC4 कनेक्टर। अब बात करेंगे 1 kW सोलर सिस्टम घर में इंस्टॉल करने के लिए कितना अप्रॉक्स खर्चा हो सकता है। तो 1 kW मोनो पैनल मार्केट में आपको 20,000 से 23,000 रुपये के प्राइस पर मिल जाएगा। 1 kVA सोलर ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड इन्वर्टर का प्राइस जनरली मार्केट में 7,000 से 12,000 रुपये के रेंज में होता है। 1 kW सोलर सिस्टम को लगभग 5 से लेकर 6 घंटे बैकअप पावर देने के लिए आपको 150 एम्पियर आवर का सोलर ट्यूबलर बैटरी खरीदना पड़ेगा, जो कि मार्केट में 12,000 से 15,000 के रेंज में इजीली एक्सेसिबल होता है। ACDB और DCDB बेसिकली सोलर सिस्टम के प्रोटेक्शन डिवाइस हैं, जिसमें MCB, SPD जैसे इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं आपके सोलर सिस्टम को प्रोटेक्ट और हेल्दी रखने के लिए, जो कि आपको 2500 से 4000 के रेंज में मिलता है। अर्थिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स चलाने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपके घर में पहले से एग्जिस्टिंग अर्थिंग है, फिर आप उसमें सोलर सिस्टम का अर्थिंग को कनेक्ट कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो फिर अर्थिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए आपको लगभग 1500 से 2000 रुपये लग सकते हैं। 1 kW सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन में लाइटनिंग एरेस्टर ऑप्शनल प्रोटेक्शन डिवाइस होता है। इसे आप अपने ज़रूरत का हिसाब से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। जो लाइटनिंग स्ट्रोक या बिजली गिरने पर हाई वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, लाइटनिंग एरेस्टर उसी हाई वोल्टेज को ऑब्जर्व करके अर्थिंग के थ्रू ग्राउंड में बाईपास करा के आपके सोलर सिस्टम को एक्सटर्नल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। ये कॉपर बॉन्डेड लाइटनिंग एरेस्टर आपको 2000 से 3000 के रेंज में आसानी से मार्केट में मिल सकता है। इसके अलावा 1 kW सोलर सिस्टम बैठाने के लिए GI स्ट्रक्चर आपको मार्केट में 3000 से लेकर 4000 के बीच में मिल जाएगा, जो कि आप एज पर डिज़ाइन बनवा भी सकते हो। DC केबल, MC4 कनेक्टर और छोटे मोटे इम्पॉर्टेंट चीज़ 2000 से 3000 के रेंज में आसानी से एक्सेसिबल हो जाता है। तो ओवरऑल एक डोमेस्टिक 1 kW सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन करने के लिए आपको अप्रॉक्स 50,000 से 55,000 तक का खर्चा हो सकता है। अब बात करते हैं 1 kW सोलर सिस्टम में आपके घर में कौन कौन सा लोड चल सकता है। ये 1 kW सोलर सिस्टम में आपके घर में 5 से लेकर 6 लाइट, 2 फैन, 1 TV, 1 हाफ HP वाटर पंप आसानी से चल सकता है, पर रिकमेंड है वाटर पंप, मिक्सचर मशीन जैसे लोड आप फुल लोड में ना चलाएं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।